हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस माइक्रोमेरिटिक्स पार्ट 10। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कस फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। अब फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज के अंदर अपन डिफरेंशिएट करें तो फंडामेंटल आर द मौलिक प्रॉपर्टीज, द बेसिक प्रॉपर्टीज विच पाउडर कंटेन। अब जो बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी सिस्टम की या पाउडर की, वो क्या रहेंगी? उसका पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल वेट एंड पार्टिकल नंबर। वाइल डिराइव्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो प्रॉपर्टीज जो कि उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के कारण उनमें आती हैं। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन द फैक्टर रिलेटिंग टू द मेजरमेंट, यानी कि जो मेजरमेंट हो रहा है उसके हिसाब से ये डिफाइन की जाती हैं। अब जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसके कारण कौन कौन सी चीज़ों पर इफेक्ट हो सकता है? ऑब्वियस डेंसिटीज चेंज हो सकती हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज में फर्क आ सकता है, पोरोसिटी है, बल्किनेस है, एंड जो पैकेजिंग अरेंजमेंट है वो, यानी कि जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं उन सारे के कारण जो इसके फैक्टर्स हैं लाइक डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, पोरोसिटी, बल्किनेस एंड पैकेजिंग अरेंजमेंट्स आर नोन एज डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, सो हियर वी जस्ट डिस्कस द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज पोरोसिटी। पोरोसिटी की बात करें यानी कि पोरस सिस्टम जिसके अंदर स्पेस हैं, वॉइड्स हैं। अगर अपन यहाँ बात करें, दो डायग्राम दे रखे हैं, तो हाईली पोरस एंड लो पोरस, यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, जो वॉइड्स है, वो उसकी पोरोसिटी डिफाइन करेगी, यानी कि जो वॉइड वॉल्यूम्स हैं, जितनी ज़्यादा वॉइड हैं जितनी ज़्यादा स्पेस है, जितना लूज नेटवर्क है वो उतना ही ज़्यादा पोरस होगा। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम, यानी कि जो भी वॉइड वॉल्यूम है वो बल्क वॉल्यूम जो रेशियो है उसे अपन पोरोसिटी कहेंगे। अब किसी सिस्टम की अपने को पोरोसिटी निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे? तो द पोरोसिटी इज इक्वल्स टू बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम यानी कि जो ऑफिशियल वॉल्यूम है, जैसे आपने सैंपल को किसी मेजिंग सिलेंडर में डाला, सपोज वो 45 ml आया, तो वो उसकी बल्क वॉल्यूम है। आपने उसके अंदर कोई भी जो उसकी लूजनेस है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। वह जो ट्रू वॉल्यूम है वो है पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर टैपिंग के बाद उस बल्क वॉल्यूम को रिड्यूस करना। आपने जब टैप किया तो क्या होगा, उसके अंदर जो एयर है वो डिस्प्लेस होगी, तो जो 50 ml या 45 ml है मेजिंग सिलेंडर में पाउडर, वो उतना ना होके इट मे बी रिड्यूस्ड। तो जितना वो रिड्यूस होगा उतना ही उस सिस्टम की पोरोसिटी है। जितना लूज होगा अपने पास पोरोसिटी ज़्यादा आएगी, बल्किनेस एंड ट्रू वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जितनी पोरोसिटी कम होगी डिफरेंस उतना ही कम होगा। सो हियर द एप्लीकेशन इन्फ्लुएंस स्टेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, यानी कि जो पोरोसिटी है उसका किस किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। ऑब्वियस है, जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी यानी कि उतना ज़्यादा एयर स्पेस है, तो जैसे ही वो सिस्टम में डिजोल्व होगी, सॉल्वेंट उससे कैप्चर करेगा, तो वो इजीली पार्टिकल एंटर करेंगे उस पोरस एरिया में, उस वॉइड में, और उस चीज़ को इजीली डिसइंटीग्रेट कर लेंगे या फिर डिजोल्व कर लेंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी उतना ही अच्छा डिसोल्यूशन होगा, उतना ही अच्छा डिसइंटीग्रेशन होगा। स्वेलिंग एंड बस्टिंग का इजी व्हेन पोरोसिटी इज हाई। नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग अरेंजमेंट। पैकेजिंग अरेंजमेंट्स यानी कि आपने अभी जस्ट पोरोसिटी देखा, पोरोसिटी में यानी कि जो वॉइड्स वॉल्यूम है उसकी बात कर रहे हैं। अब पैकेजिंग अरेंजमेंट भी इस तरीके से अपन किए जा सकते हैं जहां पर पोरोसिटी ज़्यादा होगी या फिर पोरोसिटी कम होगी, यानी कि सिस्टम या तो क्लोजली पैक्ड होगा या फिर लूजली पैक्ड होगा। पाउडर बैड्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज फेयर्स कैन अज्यूम आइदर ऑफ टू आइडल पैकिंग। अगर पार्टिकल अपन ये माने कि सेम साइज के हैं, स्फेरिकल इन नेचर हैं, तो अपन दो तरीके से उसकी पैकिंग कर सकते हैं, एक तो क्लोजेस्ट और रोम्बोहेड्रल, दूसरा मोस्ट लूजेड या फिर क्यूबिक पैकिंग, एकदम जिसमें बहुत ज़्यादा पोरोसिटी या फिर स्पेस या फिर वॉइड है जो ज़्यादा है। इन यूनिफॉर्म स्फीयर पोरोसिटी इज, जो यूनिफॉर्म स्फीयर हैं जैसे पार्टिकल साइज हैं, तो वहाँ पर पोरोसिटी दो तरीके से डिफाइन होगी या दो तरीके के परसेंटेज हैं। क्लोजेस्ट पैकिंग में आप 26% तक पोरोसिटी रख सकते हैं, और जो लूजेस्ट पैकिंग है उसमें लगभग उसका 50%, यानी 48% ऑफ पोरोसिटी कैन बी टेकन। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। अब जैसे कोई भी पार्टिकल है या कोई भी पाउडर है उसकी अपने को डेंसिटी चेक करनी है, तो वो अपन कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले अगर डेंसिटी नॉर्मल अपन बात करें तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम, यानी कि जो पाउडर है उसका भार कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। अब वो कैसे निकाली जाती है? सिंपल है, सपोज कि कोई पाउडर है आपने लिया, सबसे पहले आपने उसको वे कर दिया, वो 5 ग्राम आया, और उसी 5 ग्राम को आपने मेजिंग सिलेंडर के अंदर रख दिया, उसका वेट आया 10 ml, तो जो डेंसिटी वो क्या हो गई? 5/10, दिस इज द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पाउडर। हियर टू टाइप ऑफ डेंसिटीज आर डिस्क्राइब हियर, ट्रू डेंसिटी एंड ग्रेन्यूलर। अब ट्रू डेंसिटी यानी कि एक्चुअल डेंसिटी,
विदाउट द वॉइड्स कितनी है। अब वो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए फॉर्मूला रहता है वेट ऑफ पाउडर अपॉन ट्रू वॉल्यूम ऑफ पाउडर। वेट ऑफ पाउडर आपको पता है कितना था, 5 ग्राम सैंपल का। ट्रू वॉल्यूम क्या होगी, फिलहाल अपने को पता है कि जैसे अपने उस पाउडर को मेजरिंग सिलेंडर में डाला अपने पास 10 ml आया, बट ट्रू वॉल्यूम यानी कि ट्रू वॉल्यूम अगर उसके अंदर से अपने सारी की सारी पोरोसिटी या फिर जो वॉइड स्पेस है वो निकाल दें तो वो उसकी ट्रू वॉल्यूम होगी। वो अपन कैसे निकालेंगे, यूजिंग दिस बल्क डेंसिटी अपरेटस। अपन जो भी सैंपल है जो 10 ml था उसको अपने इसमें डाला और उसे स्टार्ट कर देंगे। ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा और एक टैपिंग होगी सिस्टम के अंदर, और जिससे टैपिंग होगी तो अपन कम से कम इसको 50 बार टैप करेंगे तो क्या होगा, टैप होते होते जो एयर है स्पेस है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और जो अपना सिस्टम है वो नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा बैठता चला जाएगा। तो सपोज शुरू में 10 ml था और आफ्टर दैट ये 5 पे आ गया, यानी कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर वॉइड थी कि आफ्टर 50 टैपिंग आपने 50 बार उसको थपथपाया तो वो 10 ml से सीधा का सीधा 5 ml पे रिड्यूस हो गया। तो जो ट्रू वॉल्यूम है आप कितनी हो गई, वेट भी 5 और ट्रू वॉल्यूम भी 5, 5/5। तो द ट्रू डेंसिटी इज ऑफ सैंपल इज 1। दूसरे मेथड्स भी होते हैं फॉर नॉन पोरस पाउडर एंड पोरस पाउडर। दे आर फॉर नॉन पोरस पाउडर वी यूज लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड टू डिटरमाइन द ट्रू डेंसिटी एंड फॉर पोरस पाउडर वी डिटरमाइन हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड टू चेक द ट्रू डेंसिटी ऑफ पोरस पाउडर। सेकेंड वन इज ग्रेन्यूलर डेंसिटी, यानी कि अब आपने जो पाउडर है उसको ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर दिया, अब उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो ऑब्वियस है ग्रेन्यूल का वेट कितना है और ग्रेन्यूल की वॉल्यूम कितनी है, उन दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे और जो भी आपके पास आएगी वो सिस्टम की पाउडर की ग्रेन्यूलर डेंसिटी होगी। उसके अलावा दूसरा मेथड होगा मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी कि ट्रू डेंसिटी के लिए लिक्विड डिस्प्लेसमेंट एंड हीलियम डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेन्यूल के लिए मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट वन इज बल्क डेंसिटी। बल्क यानी कि राइट नाउ जो आपका पाउडर जिस तरीके से फ्लफी है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी। द सिंपल फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना था, 5 ग्राम, वॉल्यूम थी शुरू में 10 ml। यानी कि या सपोज कि यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज ये आपने एक सैंपल लिया उसका वे किया, वे आया उसका 3.2 ग्राम, और उसी सैंपल को जब आपने मेजरिंग सिलेंडर में डाला तो उसका आया वॉल्यूम 48 ml। तो बल्क डेंसिटी क्या हो गई, 3.2/48 g/ml, वो आपकी सिस्टम की रही बल्क डेंसिटी। यानी कि विदाउट टैपिंग, विदाउट रिमूविंग द एयर, विदाउट रिमूविंग द पोरोसिटी, द ट्रू या सॉरी द बल्क डेंसिटी। लाइट पाउडर हैव हाई बल्क वॉल्यूम एंड लो बल्क डेंसिटी, यानी कि जितने ज़्यादा लाइट पाउडर होंगे जिनका वजन कम होगा तो उनकी बल्क वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी और सो बल्क डेंसिटी कम होगी। एप्लीकेशन हेल्प टू सेलेक्ट प्रॉपर साइज कंटेनर एंड चेक द यूनिफॉर्मिटी। यानी कि अब ऑब्वियस है कि वजन इतना कम है बट वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से अपने को जो कंटेनर्स हैं वो भी सही से चूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज बल्किनेस। बल्किनेस इज जस्ट ओपोजिट टू बल्क डेंसिटी, इट इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक बल्क वॉल्यूम। मोस्टली जो इसका यूज होता है वो पैकेजिंग ऑफ पाउडर के अंदर किया जाता है। फिर है फिफ्थ फ्लो प्रॉपर्टी। अब फ्लो प्रॉपर्टी का कहाँ यूज आ रहा है पाउडर के अंदर, ये मोस्टली इंडस्ट्रियल बेस पे है, जैसे कि आप एक ही टाइम में बहुत सारी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, बहुत सारे टैबलेट्स बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपने ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, जो आपने पाउडर बनाया है उसे होपर में रखेंगे और नीचे आपका जो भी टैबलेट पंचेज हैं या फिर कैप्सूल फिलिंग है वो सारी की सारी रहेगी। तो आपके लिए क्या रहेगा कि मैं होपर से जब भी डालूँ तो मेरे को एक स्ट्रीमलाइन फ्लो मिले, बीच में कोई भी क्लॉगिंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट मेरे को देखने को ना मिले। तो उसके लिए क्या चाहिए कि जो पाउडर है वो होपर से बहुत ही फ्री फ्लोइंग हो। तो पाउडर फ्री फ्लोइंग है या नहीं है उसके लिए अपन कुछ मेथड्स यूज करते हैं टू चेक द फ्री फ्लोइंग या फिर कोहेसिवनेस ऑफ द पाउडर। हियर द पाउडर मे बी फ्री फ्लोइंग और कोहेसिव, यानी कि पाउडर या तो फ्री फ्लो हो सकता है या फिर कोहेसिव हो सकता है, स्टिकी हो सकता है। अब वो पार्टिकल पाउडर कैसा है और अपने को क्या रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से फिर उसे मॉडिफाई कर लिया जाता है। फ्लो अफेक्टेड बाय चेंज इन पार्टिकल साइज डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड एड्सॉर्ब मॉइस्चर, यानी कि सारी की सारी जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम के अंदर बाद में आ रही हैं उसके कारण पार्टिकल का फ्लो भी चेंज हो सकता है। पार्टिकल साइज कैसा, स्फेरिकल है या इरेगुलर है, ऑब्वियसली फ्लो चेंज होगा। डेंसिटीज क्या है, फ्लो चेंज करेंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या है, कोहेसिवनेस कितनी है, फ्लो प्रॉपर्टी चेंज होगी। और या फिर मॉइस्चर तो कहीं पार्टिकल्स में नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्लॉगिंग करेंगे, पार्टिकल को आसानी से फ्लो नहीं होने देंगे। इरेगुलर फ्लो ऑफ पाउडर फ्रॉम द होपर प्रोड्यूस टैबलेट विथ नॉन यूनिफॉर्म वेट्स। अगर अगेन होपर से अगर इरेगुलर फ्लो है तो क्या होगा, जो नीचे सपोज आपके जो वेट्स हैं 500 मिलीग्राम की आपको टैबलेट बनानी है तो एक में तो 500 मिलीग्राम आया, एक में 250 आया और एक में 750
ग्राम ऑफ सैंपल गिर गया, यानी कि अनयूनिफॉर्मिटी रही, नॉन यूनिफॉर्मिटी रही, तो जो वेट है वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए टू मेक द सिस्टम एक्यूरेट वी हैव टू मेंटेन द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। हियर देयर आर थ्री मेथड्स टू चेक द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। वी हैव फर्स्ट मेथड इज एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज कैलकुलेटेड फॉर एस्टिमेटिंग फ्लो प्रॉपर्टी। अब ये फ्लो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए काम में आता है। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइन एज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द सर्फेस ऑफ पाइल ऑफ पाउडर एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड द फॉर्मूला इज tan theta equals to h upon r, where h denotes the height of pile and r is the radius of base of pile and theta is angle of repose. अब ये मेथड यूज किस तरीके से किया जाता है। सपोज कि आपको किसी भी सैंपल का एंगल ऑफ रिपोज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी सैंपल है जो पाउडर है, सपोज वो 10 ग्राम आपने सैंपल लिया, आप उसे एक फनल के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप कुछ टेम्परेचर स्टैंड या फिर इस तरीके से फनल को है जो स्टैटिकली एडजस्ट कर देंगे। यहाँ आप अपना थंब लगा के रखेंगे ताकि जो सैंपल है एक बार में इजेक्ट ना हो। फिर जैसे ही आपने नीचे एक पेपर रख दिया, ग्राफ पेपर या समथिंग कुछ भी, फिर आप वो थंब है जो हटा देंगे और सैंपल को नीचे की तरफ गिरने देंगे। जैसे ही सैंपल नीचे गिरेगा तो क्या होगा, एक पाइल या फिर पहाड़नुमा आकृति बनेगी अकॉर्डिंग टू योर सैंपल। क्या आपके सैंपल में क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या मॉइस्चर तो नहीं है, पार्टिकल का साइज क्या, उस हिसाब से अब जो भी पाइल बना उसका डायमीटर स्केल की सहायता से नाप लेंगे और जो उसकी हाइट है वो अपन स्केल की सहायता से नाप लेंगे। हाइट लिख दी, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज रेडियस ऑफ सिस्टम, आर मिल गया, एच मिल गया एंड टेन थीटा का मान अपन टेन इनवर्स के रूप में निकाल लेंगे। वो जो भी डिग्री में मान आता है वो ये बताता है कि आपका जो सिस्टम है वो फ्री प्रॉपर्टी वाला है या नहीं। अब लाइक सपोज फाइन सैंड है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल स्फेरिकल हैं, तो क्या होगा, आसानी से फनल से नीचे आ जाएंगे तो एंगल है जो बहुत कम बनेगा, कोर्स का एंगल थोड़ा ज्यादा बनेगा, और जो एंगुलर पेबल्स हैं बड़े पार्टिकल है उनका एंगल है जो और भी ज्यादा बनेगा, और अगर मॉइस्चर होता तो हो सकता है ये फ्लैट होता होगा, उतना ही पार्टिकल है जो अच्छी प्रॉपर्टी वाला होगा। अब जैसे ही आपने थीटा का मान निकाल लिया, सपोज कि आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू एच अपन आर कैलकुलेट करने पे 0.5 आया, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.5, और 0.5 tan इनवर्स का मान जैसे ही आपने निकाला, आपके पास जो भी वैल्यूज आई उस वैल्यूज को आपने इसे चेक कर लिया और इसके आधार पे आपने बता दिया कि आपका जो पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है। अगर बिलो 25 आए तो इट इज एक्सीलेंट, 31 से 35 इज गुड, 36 टू 40 इज फेयर, 41 से 45 इज पॉसिबल, 46 से 55 इज पुअर, वेरी पुअर एंड वेरी वेरी पुअर। डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स मिलेंगी, कहीं आपको टेबल ये भी मिलेगी कि बिलो 25 इज एक्सीलेंट एंड 25 टू 30 इज गुड एंड 30 टू 40 इज पॉसिबल एंड मोर देन 40 इज पुअर। डिफरेंट टेबल्स है, डिफरेंट टेबल के हिसाब से अलग अलग रहेगा। फिर है कास्ट इंडेक्स या कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, ये भी सिस्टम के फ्लो को चेक करने के लिए काम आती है और साथ ही साथ ये कोहेसिवनेस भी बताती है कि पार्टिकल आपस में स्टिक की तो नहीं है। फॉर्मूला इसका रहता है टैप डेंसिटी माइनस बल डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। हॉर्सनेस रेशियो, दिस इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इन सब की एक रीडिंग है, उनके हिसाब से आप चेक कर लो कि आपका सिस्टम की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। हॉर्सनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी टू द बल्क डेंसिटी, यानी कि जो भी सिस्टम है जो भी पाउडर उसकी टैप डेंसिटी कितनी थी और उसकी बल्क डेंसिटी कितनी है, उसका जो रेशियो है उसका जो मान आएगा वो उसका पाउडर का हॉर्सनेस रेशियो है। फिर डस्टेबिलिटी, डस्टेबिलिटी इज डिफाइन एज द फ्री फ्लोइंग पाउडर कैरेक्टर, यानी कि पाउडर अगर फ्री फ्लोइंग है, डस्ट है, कोई भी स्टिकीनेस उसमें नहीं है, तो वो उसकी डस्टेबिलिटी है। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द स्टिकीनेस, एकदम ऑपोजिट रहेगा स्टिकीनेस से, यानी कि एकदम से पाउडर है जो डस्टी होगा। एग्जाम्पल की बात करें कि किस किस सिस्टम में कितनी कितनी डस्टेबिलिटी है, तो जो लाइकोपोडियम स्पोर्स हैं उसमें 100% डस्टेबिलिटी पाई जाती है। ये जीपेट कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ मैंशन किए हैं। फिर टेलकम पाउडर 57% ऑफ डस्टेबिलिटी, पोटेटो स्टार्च 27%, फाइन चारकोल 23% एंड फाइनली डिवाइडेड कैलोमलिस 0.7%। हियर इज अ टेबल फॉर कास्ट इंडेक्स एंड हॉर्सनेस रेशो, यानी कि अगर कास्ट इंडेक्स का मान 10 से कम निकलता है तो फ्लो है जो एक्सीलेंट है, 11 से 15 गुड, इस तरीके से जैसे जैसे मान बढ़ेगा प्रॉपर्टी भी पुअर होती रहेगी। यहाँ जो वर्ड पासेबल आता है, पासेबल का मतलब ये रहता है कि आपका जो ड्रग है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं है, बट उसके अंदर आप कुछ एक्सीपिएंट ऐसे ऐड कर सकते हो जो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा सकता है, उस पाउडर को मॉडिफाई करने की आपको सचेस राइट नाउ रिक्वायरमेंट नहीं है।
हॉफनर रेशो की बात करें कि 1 से 1.1 तक एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी वाला है और मोर देन 1.6 इज वेरी वेरी पुअर प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर. होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.